हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 8 और तिथि है 20 अक्टूबर 2020। और आज हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं की भाग। तो लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्याओं की गुणा सीखी थी, आज हम सीखेंगे कि उन्हें भाग कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं हमारा सबसे पहले उदाहरण 1। प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। उसने प्रत्येक बच्चे को आधा गन्ना दिया, यानी 1/2 गन्ना दिया। उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा? तो अब हम इसे देखते हैं आकृति की सहायता से। 9/2 गन्ने का मतलब कि 4 गन्ने तो पूरे पूरे। अगर हम 9 को 2 से भाग करें तो 2 × 8 बचा 1, यानी 4 गन्ने तो पूरे पूरे और 1 गन्ना आधा। तो ये तो हो गए हमारे 1, 2, 3, 4 गन्ने पूरे और 1 गन्ने का सिर्फ आधा हिस्सा। अब हमें आधा आधा गन्ना बच्चों में बांटना है। और जब ये शब्द बांटना, भाग करना, बराबर बराबर देना, जब भी ये शब्द आता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं भाग। क्योंकि हमें आधा आधा बांटना है तो हम आधे से भाग करेंगे, यानी इन गन्नों के आधे आधे टुकड़े करके देखें कितने गन्ने बच्चों को बांट सकते हैं हम। तो ये हमने इसके बराबर टुकड़े कर दिए, तो हमारे पास कितने टुकड़े आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 टुकड़े आ गए गन्ने के, आधे आधे हमारे पास गन्ने आ गए। तो हम कितने बच्चों को बांट पाएंगे आधे आधे गन्ने? 9 बच्चों को। तो हम जब 9/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 9। अब देखते हैं उदाहरण 2। अब उदाहरण 2 में क्या बताया गया है? नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया? अब 7/3 किलोग्राम चारा है हमारे पास कुल, और बराबर बराबर बांटना है कितनी बकरियों में? 7 बकरियों में। यानी फिर बराबर बराबर और बांटना है, यानी भाग करना है। तो 7/3 का मतलब क्या हो गया? 7 को 3 से भाग करें, 3 × 2 = 6, 1। यानी 2 तो पूरे पूरे हो गए और 1 में हमारे पास 3 में से 1 हिस्सा, यानी 2 × 1/3, 2 हिस्से पूरे और 1 में 3 में से सिर्फ 1 हिस्सा हमारे पास है। अब ये 7 बकरियों में बांटना है, देखिए कुल कितने हिस्से हमारे पास हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। तो 7 हिस्से हमारे पास हैं और 7 बकरियों में बांटना है, यानी हर बकरी को एक हिस्सा मिलेगा। एक हिस्से का मतलब है कि अगर हम इसे वृत्त की सहायता से दिखा रहे हैं तो हमने उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा और उसमें से एक हिस्सा हमने एक बकरी को दे दिया, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये भिन्नात्मक रूप में लिख दिया हमने, 3 में से 1। तो हर बकरी को कितना हिस्सा मिला? 1/3 भाग। तो हर बकरी को 1/3 किलोग्राम जो है चारा खाने को मिल गया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये 7/3 / 7, तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। तो जब हम भाग करते हैं तो भाग में हम इस भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं, और भाग के बाद जो हमारा भाजक है, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं 7/1, वो बन जाता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी उसका अंश ऊपर और हर नीचे जैसे है, तो हर बन जाएगा अंश और अंश बन जाएगा हर। तो ये बन गया 1/7। अब इसे सरल कर दें, 7 से 7 काटा, हमारे पास 1/3 उत्तर आ गया, जैसे ऊपर आया था। तो ये आ गया हमारा 1/3 उत्तर। तो हमें जिस संख्या से भाग देना होता है उस संख्या से हम के व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमें उत्तर मिल जाता है। अब हम कुछ और प्रश्न हल करते हैं जो हमें दिए गए हैं। नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वे बराबर बराबर, अब शब्द देख रहे हो, बराबर बराबर के अंतराल पर 4 बार रुकी। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी? यानी 13/4 हिस्से जो हैं, ये 13/4 जो दूरी है, इसे हमें 4 अंतरालों में बराबर बराबर बांटना है, यानी उसके भाग करने हैं। तो ये आ गया हमारे पास, यानी 13/4 को हमें 4 से भाग करना है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 13/4 / 4/1, और ये है हमारा भाजक
यही है ना भाजक, तो इसका हमें व्युत्क्रम लेना है, यानी गुणा का निशान लगाते ही 4/1 को पलट के लिख दिया हमने 1/4। अब कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा, तो अंश से अंश को, हर से हर को, यानी 13/16 किलोमीटर की दूरी पर वो पहली बार रुकी। ये हो गया हमारा प्रश्न एक। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। 4/7 भाग -7/4, तो भाग का निशान बना दिया गुणा और संख्या पलट दी, यानी 4/-7। अब कुछ कट रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो अंश को अंश से यानी 16 और हर को हर से, 7×7=49 और माइनस का साइन भी साथ में। हो गया ये हल। अगला प्रश्न है -6/5 भाग 2/5, तो भाग का निशान बन गया गुणा और संख्या पलट गई, 2/5 बन गया 5/2। 5 और 5 कैंसिल, 2×1=2, 2×3=6, तो उत्तर आ गया -3/1, या उसे हम -3 भी लिख सकते हैं। अगला है -1/-2 भाग -2/7, तो अब -1/-2 गुणा का निशान लगा दिया और संख्या को घुमा दिया, तो ये बन गई हमारी 7/-2। माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो गए, और कुछ कट रहा है? नहीं, तो 7/4 और ये माइनस का साइन अकेला, ये यहाँ आ गया। अगला है 2/3 भाग 2/3, यानी 2/3 भाग का निशान बना दिया गुणा में और अगली संख्या पलट गई, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ गया 1। और वैसे भी हमें पता है किसी संख्या को उसी से भाग देने पर, उसी समान संख्या से भाग करने पर हमेशा उत्तर 1 आता है। अब छठा प्रश्न देखें। -7/8 को भाग करना है -4/3 से, यानी इसको भी पलट के लिखा, 3/-4, माइनस और माइनस कैंसिल, कुछ और कट रहा है? क्या हम इस 4 और 8 को काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों हर हैं, हम अंश और हर को काट सकते हैं, सेम को नहीं काट सकते। तो अब गुणा कर दें, ये हो गया 21 और ये हो गया 8×6=32। अब ये है 0/8, अब गुणा का निशान बनाया तो 6/4 बन जाएगा, 4/6, और ये तो 0, जहाँ भी संख्या 0 से गुणा होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0, तो उत्तर आ गया 0। है ना मज़ेदार वर्कशीट? तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।